इंटरव्यू भी तो होना चाहिए। हेलो नमस्कार, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। हमारे साथ आज के खास मेहमान मनोज सिंह अधिकारी। हाँ जी ये नमस्कार जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका आपको हमें अपने शो पे बुलाने के लिए। हाँ आज के विशेष शो में आप अपने नॉलेज थोड़ा हमारे दर्शकों तक पहुँचाइए। जी देखिए, मैं कंप्यूटर पढ़ाता हूँ और कंप्यूटर इस समय सभी लोगों के लिए बहुत ही ज़रूरी है। यानी कि अगर आप कुछ भी नौकरी चाहते हैं या फिर कुछ भी काम करना चाहते हैं किसी भी फील्ड में, तो आपको कंप्यूटर ज़रूरी आना ही चाहिए। तो इस वजह से मैं कंप्यूटर के बहुत सारे कोर्सेस करवाता हूँ और उसके अंदर जो सबसे बेसिक कोर्स है, जो एक महीने का डिप्लोमा कोर्स है, वो है आपका CCC का सर्टिफिकेट मिलता है उससे, और हमारा इंस्टीट्यूट करवाता है उसे। और उसके अंदर आपको बेसिक कंप्यूटर सिखाया जाता है कि कंप्यूटर के अंदर किस तरीके से कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, कंप्यूटर के अंदर हार्डवेयर में क्या क्या चीज़ें होती हैं, सॉफ्टवेयर में क्या क्या चीज़ें होती हैं। उसी के साथ साथ हम थोड़ा बहुत आपको MS Word, Word, Excel, PowerPoint किस तरीके से प्रेजेंटेशंस बनाए जाते हैं, किस तरीके से अगर आपको कोई डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करना है तो डॉक्यूमेंट किस तरीके से प्रिपेयर करना है वो बताया जाता है। साथ ही साथ अगर आपको स्प्रेडशीट बनानी है तो स्प्रेडशीट किस तरीके से बनाई जाती है, उनके ऊपर फार्मूलाज किस तरीके से लगाए जाते हैं नॉर्मली, वो सारी चीज़ें आपको सिखाई जाती हैं। फिर उसके बाद अगर आप डिप्लोमा जो एक महीने का जो सर्टिफिकेट कोर्स है, अगर इससे ज़्यादा सीखना चाहते हैं तो उसके लिए आपको फिर एक साल का डिप्लोमा आता है। डिप्लोमा के अंदर हमारे पास एडवांस कंप्यूटर डिप्लोमा है जिसके अंदर आपको बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं, पर उसमें से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि आपको बेसिक कंप्यूटर सिखाया जाएगा उसके अंदर, फिर से अगर आप CCC नहीं कर रखा है आपने, और अगर आपने CCC कर रखा है तो बेसिक जो है उसके साथ साथ आपको वेब डिज़ाइनिंग सिखाई जाती है। यानी कि किस तरीके से आप डेवलपमेंट कर सकते हैं, यानी कि वेबसाइट किस तरीके से बना सकते हैं, वेब होस्टिंग किस तरीके से कर सकते हैं, तो ये सारी चीज़ें उसके अंदर आती है। जिसके अंदर आपको HTML के थ्रू वेबसाइट्स बनाना सिखाया जाता है, उसके साथ साथ HTML के साथ CSS यूज़ करके किस तरीके से हम लोग अपनी वेबसाइट्स को और बेटर बना सकते हैं वो बताया जाता है। और उसी के साथ साथ अगर आप डायनेमिक वेबसाइट्स बनाना चाहते हैं जिससे कि चेंजेस हो सके उसके अंदर, जो भी आप डेटा गेट कर रहे हैं उसके अंदर, तो उसके लिए आपको VBScript या फिर JavaScript के साथ मिलके काम करने से कहा जाता है। देन उसके बाद फिर हम लोग आपको कंप्यूटर में और एडवांस जाना है तो कंप्यूटर के डिग्री कोर्सेज आ जाते हैं, यानी कि BCA आ गया, फिर उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन में आ जाते हैं, फिर हमारे पास MCA हो गया। तो इस तरीके के कोर्सेज हमारे पास जिनके अंदर हम लोग सीख सकते हैं कंप्यूटर। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद आपके ये नॉलेज देने का जी। धन्यवाद।